हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे रियलमी की तरफ से एक नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया गया इंडियन मार्केट में, जो रियलमी C30 नाम से लॉन्च किया गया है, जो एक लो बजट स्मार्टफोन है। आइए इसकी डिटेल जानेंगे, स्पेसिफिकेशन, प्राइस और कब सेल के लिए उपलब्ध होगा सब कुछ जानेंगे। आइए, जाने से पहले हमारा चैनल Tech92 गैजेट को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और वीडियो को आप अंत तक देखें। तो सबसे पहले इसके डिज़ाइन की बात करेंगे, आपको एक क्रोमेटिक्स का डिज़ाइन के साथ में नई लुक के साथ में आता है और आपको फ्रंट में वाटर ड्रॉप नोच आता है और एक सिंगल कैमरा के साथ में आता है नई डिज़ाइन के साथ में और अल्ट्रा स्लिम डिज़ाइन मिल जाएगा आपको। और डिस्प्ले की बात करें तो आपको 6.5 इंच की फुल स्क्रीन डिस्प्ले मिल जाएगी, जो वाटर ड्रॉप नोच के साथ में आता है, जो 6.5 इंच का डिस्प्ले, जो काफ़ी बड़ी बात है, काफ़ी अच्छा बात है। और प्रोसेसर की बात करते हैं, आपको Unisoc T612 का आपको प्रोसेसर मिल जाएगा, जो एक लो बजट हिसाब से अच्छा खासा चिपसेट है। लो क्वालिटी में आप गेमिंग खेल सकते हैं और फास्टर फाइल ट्रांसफर भी हो सकता है इसमें। दो कलर में आता है, एक ब्लू और ग्रीन, हल्का लाइट ग्रीन लाइट ब्लू के साथ में आपको आता है। और कैमरा की बात करते हैं, आपको 8 मेगापिक्सल का आपको मेन कैमरा मिल जाएगा बैक में, और जो 8 मेगापिक्सल का ठीक ठाक सेल्फी आपको निकाल देगा, जो इसमें आपको HDR मोड भी आपको मिल जाता है। और फ्रंट कैमरा की बात करते हैं, आपको 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाएगा, जो आपको ठीक ठाक सेल्फी निकाल देगा। और बैटरी की बात करते हैं, आपको लॉन्ग लास्टिंग वाला 5000 mAh का बैटरी मिल जाएगा, जो आपको 10W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। अल्ट्रा सेविंग मोड भी आपको देखने को मिल जाएगा, तो एक HD डिस्प्ले होने के चलते आपको बैटरी ज़्यादा दिन तक 1 से 1.5 दिन आराम से चलेगा। और ट्रिपल स्लॉट मिल जाएगा आपको सिम कार्ड, और रियल मी का UI गो एडिशन मिल जाएगा, जो एंड्रॉइड 11 में काम करेगा और ये आपको 27 तारीख को फ्लिपकार्ट में उपलब्ध हो जाएगा। तो अगर ये वीडियो की जानकारी अच्छी लगे तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। थैंक्स।